सरकार के नियमों को ठेंगा दिखा रहे लोग किस तरह से बेपरवाह हैं और कैसे देश के सबसे बड़े खतरे कोरोना को जिले में फैलाने को आतुर हैं, इसका नजारा इन दोनों झाबुआ के मेघनगर में नागरिक खाद्यान्न आपूर्ति निगम के अनाज लोडिंग अनलोडिंग रेलवे रैक पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। भोपाल के अनाज परिवहन के मेसर्स सोना ट्रांसपोर्ट ठेकेदार इस समय प्रशासन को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। शायद इसीलिए अभी तक कोई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। मास्क नहीं पहनने पर जहां आम आदमी पर 100 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, तो वहीं एक साथ भोपाल से आए बिना कोरोना जांच और बिना मास्क के काम कर रहे 150 से भी ज्यादा मजदूरों के नॉन टेंडर ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भोपाल से रैक खाली करने आए मजदूर कैमरे पर खुद बोल रहे हैं कि उनकी कोरोना की जाँच नहीं हुई और सुरक्षा संबंधी कोई सुविधा ठेकेदार ने नहीं दी है। पूरा मामला जब SDM के पास पहुंचा तो उन्होंने खुद मौके पर जाकर देखने की बात के साथ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। भोपाल जिला से। भोपाल कितने दिन हो गए काम करते हैं? आज शाम को निकले थे हम कल। अच्छा, हाँ तो आज रुके हैं यहाँ पे, अब देखें 2-3 दिन और रुके। टोटल कितनी लेबर आई है? टोटल है 100-150 आदमी। अच्छा, कोई कोरोना टेस्ट हुआ? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, मास्क वगैरह दिया कोई? कुछ भी नहीं। मास्क तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की तो संज्ञान में आई है और मैं उनको अवगत भी करा दिया है और मैं अभी खुद भी जाके मौके पर जाकर इसका विधिवत पालन करवाऊंगा। इसमें कोई कमी मिलेगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। ये उनकी जिम्मेदारी वास्तव में बनती है और हम सबकी भी बनती है कि यदि वो बाहर से लेबर लाएं तो वाकई में थोड़ा भोपाल और इंदौर संक्रमित तो है ही हैं, तो हिदायत भी है और उनको मैं बात भी करूँगा बैठकर कि यदि वो बाहर से लेबर लाते हैं तो उनका बाकायदा सेफ्टी मेजर्स का पालन करें, कोरोना के जो हैं गाइडलाइन का फॉलोअप लें, और यदि यहाँ के भी लेबर है तो यहाँ से भी जो स्थानीय लोग उन्हें प्रोवाइड कराएं उनका भी बाकायदा टेस्ट करें ताकि दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें और खुद भी सुरक्षित रहें।